हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं यूनिक डिश में आप सभी के लिए लेके आई हूँ गेहूँ के आटे से बना बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी। ये नाश्ता घर के कुछ बेसिक सामानों से सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए यहाँ पर लिया है एक छोटी कटोरी ग्रेट की हुई गाजर, एक छोटी कटोरी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई प्याज और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब मैंने यहाँ पर ली है 2 उबले हुए बड़े साइज के आलू, जिसे हमने बारीक मैश करके लिया है। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटे चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच चाट मसाला पाउडर और 2 पिंच जितना हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है, तो आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर से डालें। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च को भी कट करके डाला है, इसीलिए लाल मिर्च थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें बहुत ही कम सब्ज़ी डाली है। अगर आपके पास कोई और सब्ज़ी हो, जैसे कि पत्ता गोभी या फिर पालक, उसे भी आप बारीक कट करके इसमें डाल सकते हो। आप जितना ही ज़्यादा इसमें सब्ज़ी डालोगे, उतना ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर तैयार होगा। मैंने इसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स किया है, आप चाहें तो चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हो। इसे मिक्स करने के बाद हाथों को धो लेना है और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर और इसे अच्छे से चिकना कर लेना है और टिक्की के शेप में इसे बना लेना है। आप टिक्की की साइज़ अपने अनुसार छोटी या बड़ी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, जो कि दिखने में कितनी ही सुंदर लग रही हैं। अब मैंने यहाँ एक बाउल में ली है 1/2 कप गेहूँ का आटा और इस नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने ली है 2 चम्मच चावल का आटा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1/2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेना है। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इस घोल को हमें ना ही तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है। तो अब ये घोल तैयार हो चुका है, तो इसमें कलर के लिए डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तिल डालने से नाश्ता हमारा और भी टेस्टी लगता है और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो अब ये घोल नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब इसमें एक एक टिक्की को लेकर इस घोल में अच्छे से डिप कर लेना है। इसके ऊपर चारों तरफ से अच्छे से लगा लेना है और इसे चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा घोल हो वो निकल जाए। इधर हमने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें एक एक करके नाश्ते को डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे तुरंत से नहीं पलटना है। जब ये एक तरफ से हल्का सा फ्राई हो जाए तो पलटकर और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेना है। इस नाश्ते को फ्राई करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में ये फ्राई हो जाता है, क्योंकि हमने जो भी इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें आप बिना पकाए भी खा सकते हैं। सिर्फ गेहूँ के आटा को ही क्रिस्पी करना रहता है, इसलिए ये सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। तो मैंने इसे दोनों तरफ से उलटते पुलटते अच्छे से फ्राई कर लिया है। नाश्ता हमारा ऊपर से एकदम सुनहरे कलर का हो चुका है और एकदम क्रिस्पी भी हो चुका है। तब इसे निकाल लेते हैं। इसे इस तरह की जाली वाली छन्ने में निकाल लेंगे, इससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। इसे फ्राई करने के बाद अब जो बाकी बचे हुए नाश्ते हैं उसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सारे नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है। आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि नाश्ता हमारा ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है। अब ये गेहूं के आटे से बना बहुत ही चटपटा और मज़ेदार नाश्ता सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो चुका है। इस नाश्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ किए बिना नहीं रुकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए।